नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर का जायजा लेते हुए दिखेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल दागे हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले 3 बम मिला था, जिसको लेकर भी सवाल खड़ा किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने कहा, अब समाधान यात्रा पे निकलते तो हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। जो भी घटनाएं कुछ पूर्व पहले घटी थी मुजफ्फरपुर में, सबको याद दिलाते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। फिर से समाधान यात्रा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में आपके गुंडा राज के साए में जीने को कैसे मजबूर है, इसकी समीक्षा कर लें। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा है। जब बिहार में धर्म और जात के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगा तो व्यवस्था का अंत कैसे होगा। कांटी थर्मल पावर प्लांट की छाई विवाद में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, यह हत्या किसके संरक्षण में हुआ आपको भली भांति पता है। आपके मंत्री के माफियागिरी का खेल चल रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा नाम दर्ज किया गया, उस नाम में मंत्री के नाम हटाने के लिए आपके पुलिस पर कौन दबाव डाल रहा है, इसकी भी समीक्षा करिए। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी ढाई पुल वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के, अप्रोच रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मोतीपुर को अनुमंडल कब बनाया जाएगा, इन सब का हिसाब आपको मुजफ्फरपुर में देना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। सूतापट्टी में रंगदारी की मांग आपके ही समर्थक लोग किए थे मुजफ्फरपुर में, फिर उसकी क्या हुआ, उसकी भी समीक्षा कर लीजिए। कृष्णा टोली ब्रह्मपुरा में एक बच्ची का अपहरण हुआ मुजफ्फरपुर में, उसका क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले। आज वो शंकर राम के बच्ची का नाबालिग है, उसका क्या हुआ, उसकी भी समीक्षा करिए। चंद्रपुरा शहर में जो पुल बना है अप्रोच रोड के कारण, वहाँ के महाजाम से लोग व्याकुल हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आज नाले की उगाही का भी व्यवस्था नहीं बन पाया, आज वहाँ पूरा शहर बजबजाते रहता है, आप इसकी भी समीक्षा करिए। आज बागमती परियोजनाओं का क्या हुआ, जिसका स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, उसके पैसे का दूसरे मद में खर्च करने का जो रणनीति बन रही है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समीक्षा होनी चाहिए। हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल मुजफ्फरपुर में एक दहशत फैला रहा है, और आज मुजफ्फरपुर में जो चर्चित कांड है, खाली याद दिलाना चाहते हैं, उस कांड का क्या हुआ, आज उसकी भी समीक्षा कर लीजिएगा। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के लोग और आम जनता से मिलिएगा तो ये सच आपको सामने आएगा। समस्तीपुर, जहां आधा दर्जन आपके विधायक मंत्री या सभापति हैं, वहां पर समस्याओं का अंबार है मुख्यमंत्री जी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, लोग जनता व्यग्रता से देखना चाहती है। समस्तीपुर के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाली सरकारी चीनी मिल वर्ष 1995 से ही बंद पड़ा है। इस बीच मिल की संपत्ति और जमीन को औने पौने दाम में नीलाम कर दिया गया, नीलामी की पूरी राशि को भी भुगतान नहीं किया गया, इस कारण आज भी मजदूरों के बकाया का भुगतान लंबित है मुख्यमंत्री जी। हसनपुर चीनी मिल में भी निर्धारित दर से किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने को लेकर पहले ही राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन समस्तीपुर में आज तक मात्र 25% किसानों के खेत तक ही पानी पहुंचने की व्यवस्था बन सकी है। दलसिंहसराय के 32 नंबर रेलवे गुमटी पर बिहार सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाई हुई है और फ्लाई ओवर बनने नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व के बजट में भी और इस बार के बजट में भी अलग से राशि स्वीकृत कर चुकी है। इसके फाइल आप ही के सरकार के पास पीडब्ल्यूडी में अटकी पड़ी है, इसकी भी समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री जी, समस्तीपुर में जो अपराधियों का पौ बार है, याद है जब अगस्त 2022 में जंगल राज के पुरोधा के साथ आई थी, उसी के बाद एक रघुवीर स्वर्णकार नाम का व्यक्ति का हत्या किया गया था, भाजपा का कार्यकर्ता था, निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज तक अपराधी को सजा नहीं मिली है। पिछले 6 महीने में अकेले समस्तीपुर जिला में दर्जनों व्यक्तियों की हत्या हुई है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार हुआ है, हीरा ज्वेलरी में करोड़ों की लूट हुई है, उसकी भी समीक्षा करिए। भ्रष्टाचार यहाँ सिर चढ़कर बोल रहा है, योजनाओं में घोटालों की लिस्ट लंबी है। आज समस्तीपुर के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार करने कर करके उसकी जीभ काट दिया था, उसकी भी समीक्षा करिए। दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को और हत्या अपहरण लूट बलात्कार से आम सामान्य व्यापारी तक दहशत में है, आप इसकी भी समीक्षा कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आधे दर्जन लोग बैठे हैं और आपके मंत्री जो आपके राजद से आते हैं उनकी भी दहशत की समीक्षा कर लीजिए। किस तरह से वहाँ के लोगों की शिकायत है, कोई सुनने वाला नहीं है, त्राहिमाम की स्थिति बनी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की जनता समाधान चाहती है समस्याओं का, खाना पूर्ति और पिकनिक मनाने का खेल बंद करिए, नहीं तो यही विदाई यात्रा बनेगा।